पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोके जाने के मामले में आक्रोश बरकरार है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ ने इसे लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि पंजाब में प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया, यह चूक नहीं बल्कि गंभीर साजिश है, इसलिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए तथा दोषियों पर कार्यवाही हो। प्रधानमंत्री पूरे देश के गौरव हैं, उनके प्राणों को साजिशन संकट में डाला गया है, इसलिए पूरा देश इस मामले में त्वरित कार्यवाही की मांग कर रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अभी एरन के निवास स्थान पर चार अज्ञात बदमाश घर के अंदर घुस गए और हथियारों के बल पर उन्होंने अलमीरा से कुछ पैसे और जेवरात निकाल लिए हैं। किसी भी को चोट नहीं पहुंचाया गया है और हम लोग उन चारों बदमाशों की तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम शीघ्र ही इस लूट का खुलासा कर लेंगे। सर, घटना को कैसा अंजाम दिया? जैसे ये अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गए हैं, चार बदमाश घर के अंदर घुसे हैं और घर में सिर्फ महिलाएं थीं और दोनों महिलाओं को उन्होंने हथियारों के दम पे बैठा दिया और हाथ पैर बांध दिया और फिर उन्होंने लूट वारदात को अंजाम दिया। इसी बीच व्यापारी रवि भी घर स्कूल से वापस आ गए थे और उनको भी फिर इन बदमाशों ने हाथ पैर बांध करके जो भी इनके घर में था वो लूट कर दिया। सर, इसमें घटना में कितने लाख की चोरी मानी जाए? अभी ये बता रहे हैं और कुछ कैश था इनके पास 9 लाख रुपये के आसपास बता रहे हैं और वो देख के बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। उमर, मैं रोजाना की तरह बच्चों को स्कूल छोड़ने गया हुआ था। बच्चों को जैसे ही मैं स्कूल से छोड़ के घर वापस आया और घर के अंदर प्रवेश किया तो दीवार के पीछे से एक बंदे ने मेरे सिर पे रिवॉल्वर रखी और बोले कि आवाज़ मत निकालना नहीं तो सिर काट देंगे, चल अंदर। अंदर गया तो मेरी मम्मी और पत्नी के गले पे उन्होंने छोटी छोटी तलवारें रखी हुई थी और उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और बोला कि तीनों में से अगर किसी ने भी आवाज़ निकाली तो हम तीनों को मार देंगे और कहाँ क्या रखा है हमको बता दो। उसके बाद उन्होंने हमारी अलमारियाँ खोलना चालू करी, हमारी जो पहनी हुई रकमें थी चेन अंगूठियाँ वो खुलवाई, अलमारी में से सिलक निकाली और फिर सब जगह तीनों ने ढूंढना चालू करा। एक हम लोगों पे निगाह रखता रहा और तीनों ने घर में एक एक चीज़ ढूंढ ढूंढ के निकाली और बैगों में भर के ले गए और आखिर में बोल के गए कि हम लोग बाहर ही हैं, अगर एक आवाज़ भी आई तो तुम तीनों को मार देंगे अंदर आके। लगभग बदमाश कितने घंटे यहाँ पर रहे? वो लोग मेरे स्कूल से आने के मतलब मैं जब स्कूल बच्चों को छोड़ने गया और शायद मेरे बाहर जाते से ही वो लोग अंदर आ गए। नहीं नहीं घंटे नहीं रुके, मुश्किल से 20-25 मिनट। चार लोग घर के अंदर थे। नुकसान ज़्यादा है क्योंकि व्यापार की पूरी सिलक भी घर में थी, सबकी पहनी हुई रकमें थी, सबकी रखी हुई रकमें थी, तो पूरा कैलकुलेशन पर नुकसान ज़्यादा है। नगद सिलक कम से कम जो गिनी हुई थी वो 10-11 के आसपास थी और अनकाउंटेड सिलक अलग थी। रकमें सभी की घर में थी, मम्मी की, वाइफ की पहनी हुई रकमें भी निकाली उन्होंने और रखी हुई भी पूरी रकमें ले गए। इवन आखिरी में उन्होंने जो नए नोट और नई चिल्लरें रखी थी वो भी आखिरी में हमसे एक बैग मांगा कि आप लोग एक बैग और दो, वो बैग नहीं मिला उनको तो उन्होंने दूसरा झोला खाली करा और उस झोले में डाल के वो सब चीज़ें डाल के ले गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।